स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज हम 4 जनवरी 2019 का करंट अफेयर्स का वीडियो, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अभी तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन में क्लिक करना भी ना भूलें। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक में विजया बैंक और देना बैंक का मर्ज हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक दोनों ही बैंकों का मर्ज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं बैंकों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले जानते हैं हम उस बैंक के बारे में जिस बैंक के अंदर इन दोनों बैंकों का मर्ज हुआ है, तो वह बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो सीईओ है वो है पीएस जयकुमार, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो है अलकापुरी वडोदरा में। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो फाउंडर से हुए सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, और इसकी जो टैगलाइन हुए इंडिया इंटरनेशनल बैंक, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं उन बैंकों के बारे में जिनका मर्ज बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। सबसे पहले जानते हैं हम देना बैंक के बारे में। देना बैंक के जो सीईओ है वो है श्री करणम शेखर, ये देना बैंक के सीईओ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो मुंबई में, और इसके जो फाउंडर से वो है चोनीलाल देवकरण नंजी एंड परनाल देवकरण नंजी, ये इसके फाउंडर से। इसके जो टैग लाइन वो है योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ये देना बैंक की टैग लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं विजया बैंक के बारे में। विजया बैंक के जो सीईओ है वो है आर ए शंकरा नारायण, ये विजया बैंक के सीईओ है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो है बेंगलुरु में। इसके अलावा इसके जो फाउंडर से हुए एबी सेट्टी, ये विजय बैंक के फाउंडर से। इसकी जो टैग लाइन है वो है ए फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैग लाइन है। तो ये थी इन क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल ने कितने करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स चुकाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 699 करोड़ रुपए का। फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल ने 699 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स चुकाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट के जो सीईओ है वो है कल्याण कृष्णामूर्ति, ये फ्लिपकार्ट के सीईओ है, और इसका जो फाउंडेड ईयर है वो है अक्टूबर 2007, और इसके जो फाउंडर है वो है बिन्नी बंसल एंड सचिन बंसल, ये इसके फाउंडर है। फ्लिपकार्ट का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वॉलमार्ट, और इसकी जो सब्सिडरी है वो है मंत्रा एंड फोन पे। तो ये थी फ्लिपकार्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस शुरू होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब में। पंजाब राज्य में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस शुरू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब का जो लैंड एरिया है वो है 50,362 किलोमीटर स्क्वायर, ये पंजाब का लैंड एरिया है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है अमरिंदर सिंह, ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर है। पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़, और जो पंजाब के गवर्नर है वो है वीपी सिंह बेंडोरे, ये पंजाब के गवर्नर है। पंजाब के अंदर जो विधानसभा की सीटें हुए 117 सीटें, और जो लोकसभा की सीटें हुए 13 सीटें, इसके अलावा राज्यसभा की सीटें हुए 7 सीटें। तो ये थी पंजाब से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के छात्र ध्रुव प्रभाकर ने किस शहर में हुई वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हांगकांग में। भारतीय मूल के छात्र ध्रुव प्रभाकर ने हांगकांग शहर में हुई वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ध्रुव प्रभाकर कहाँ रहते हैं, तो है सिंगापुर में, और ये जो
वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप हुई है, ये कहाँ हुई है? हांगकांग में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं हांगकांग के बारे में। हांगकांग की जो करेंसी है वो है हांगकांग डॉलर, ये हांगकांग की करेंसी है। यहाँ की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो है कैरी लैम, इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी वो है मैथ्यू चेंग और जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी वो है प्योल चेंग। इसके अलावा हांगकांग के जो सेक्रेटरी फॉर जस्टिस वो है तेरेसा चेंग, ये हांगकांग के सेक्रेटरी ऑफ जस्टिस है। तो ये थी हांगकांग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर के कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर के। सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आचरेकर को द्रोणाचार्य अवार्ड और पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। सचिन ने शुरुआती दिनों में आचरेकर से क्रिकेट सीखा करते थे। आचरेकर ने अजीत अगरकर, चंद्रकांत पंडित और प्रवीण आमरे समेत कई दिग्गज क्रिकेटरों को भी कोचिंग दी थी। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थोट्टाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन ने। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में थोट्टाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन ने शपथ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना राज्य का जो लैंड एरिया है वो है 1,12,077 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है के चंद्रशेखर राव। इसके अलावा तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद। यहाँ के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हा। इसके अलावा तेलंगाना के अंदर जो विधानसभा की सीटें वो है 162 सीटें और जो लोकसभा की सीटें वो है 17 सीटें। तो ये थी तेलंगाना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण कुमार को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के। प्रवीण कुमार को आंध्र प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश का जो लैंड एरिया है वो है 1,62,970 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो है एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हैदराबाद। यहाँ के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर जो राज्यसभा की सीटें वो 11 सीटें और जो लोकसभा की सीटें वो 25 सीटें। तो ये थी आंध्र प्रदेश जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस में किस चक्रवाती तूफान का प्रकोप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उस्मान का। फिलीपींस में उस्मान चक्रवाती तूफान का प्रकोप है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है वो है रोड्रिगो ड्यूटेर्ट। इसके अलावा फिलीपींस की जो करेंसी वो है फिलीपींस पेसो। यहाँ की जो कैपिटल है वो है मनीला। फिलीपींस के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है लेनी रोब्रेड, ये फिलीपींस के वाइस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा फिलीपींस के जो सेनेट प्रेसिडेंट वो है विसेंट सोटो ली, ये फिलीपींस के सेनेट प्रेसिडेंट है। यहाँ की जो चीफ जस्टिस है वो है लुकास बरसामिन। तो ये थी फिलीपींस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।